तो चलिए यहाँ पर एक्चुअली देख लेते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या ट्रेस डिटरमिनेंट रैंक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हो, कोई एक फिक्स नंबर हो। जैसे कि सपोज ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, इसके सारे एंट्रीज आप लोग देख सकते हो कि एक नंबर है सी, तो सी को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है एन क्रॉस एन का, यही क्या कहलाता है, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स दिया गया है तो कांस्टेंट मैट्रिक्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू क्या होगा, रैंक क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर आप लोग ऐड करिए कि अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल, तो आप कह सकते हो हाँ जीरो मैट्रिक्स भी कांस्टेंट है, आप कह सकते हो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एक्स माइनस एन सी। इसकी इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, कांस्टेंट मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर एक कांस्टेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, अब बात आता है अगर इसके आइगन वैल्यूज की बात किया जाए, तो देख सकते हो कि एन माइनस वन टाइम इसका आइगन वैल्यू जीरो मिलता है और एक आइगन वैल्यू एन इंटू सी होता है, मतलब ट्रेस होता है इसका एक आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, ए के आइगन वैल्यूज आपको मिलेगा जीरो जीरो जीरो, कितनी बार, एन माइनस वन टाइम्स, और एक बार आपको एन सी मिलेगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि कितनी बार हो जाएगा, एन माइनस वन टाइम्स, ठीक है, और एक बार आपका एन सी होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर लिख लीजिए, अगर आप रैंक की बात करें तो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या पॉसिबल है। अगर आप देखेंगे इसके सारे रोज क्या है, इक्वल है, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वन आएगा, और लगे हाथ अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसके डिटरमिनेंट के बारे में हम क्या कहेंगे, इसका डिटरमिनेंट जीरो आया, क्योंकि दो या दो से ज्यादा रो सेम हो जाते हैं, डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो आप कह सकते हो कांस्टेंट मैट्रिक्स का रैंक वन होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। और अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हो, ट्रेस मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो यहां से आपको ट्रेस मिलेगा, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, एन इंटू सी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ आया ये सारी चीजें, तो इस पर भी बेस एग्जाम में ना काफी बार देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, जे क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 101 इंटू 101 है विथ ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1, जे की सारे एंट्रीज 1 है। तो उस केस में आपको बताना है जे माइनस आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूं। चलिए ट्राई करिए, बताइए क्या हो सकता है, बताओ। यहां पर हमें बताना है जे माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो जे तो आपको दिख ही रहा है, जे आपको दिया गया, जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 101 इंटू 101 है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बी, कुछ का आंसर आ रहा है सी, कुछ लोग 100 कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। अगर मैं जे की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो जे एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जे कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसकी सारे एंट्रीज क्या है, वन 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 वन, अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाते हैं वन वन एंड सो ऑन, ए क्या है आपका वन है, तो ये आपका मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है, 101 इंटू 101 है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे एन की वैल्यू 101 है, आपका जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 1 है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल मिलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एक्स माइनस एन सी होगा। तो ये आपको मिलेगा एक्स टू दी पावर एन की वैल्यू 101 माइनस वन एक्स माइनस 101 इंटू सी, तो ये आपका हो जाएगा एक्स रेस टू 100 एक्स माइनस 101। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक तो जीरो मिलेगा, दूसरा हमें 101 मिलेगा, और जीरो कितनी बार आएगा, तो यहां पर जो जीरो आइगन वैल्यू 100 टाइम्स आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, ए के आइगन वैल्यूज मिलेंगे जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो,
और एक बार 101 मिलेगा, 0 ये कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा, ठीक है। अगर ये का आइगन वैल्यू आया जे माइनस आई का भी हम निकाल सकते हैं, इसको हम एक पॉलिनॉमियल बना लेते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, चलो एक पॉलिनॉमियल बना लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स माइनस वन ले लिया। तो अगर मैं यहां पर पी ऑफ जे फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जे माइनस आर डी आर टी, ठीक है। अगर हमारे पास जे के आइगन वैल्यूज हैं, ये जे है, तो मैं जे माइनस आई का भी निकाल सकता हूं। तो यहां पर आप क्या बता सकते हो, सो आइगन वैल्यूज ऑफ, आइगन वैल्यूज ऑफ j माइनस आई, मतलब p ऑफ j के जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे, ये आपको क्या मिलेगा, p ऑफ 0, p ऑफ 0, क्योंकि आप अगर a का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो p ऑफ a का आइगन वैल्यू क्या होता है, p ऑफ लैम्बडा होता है, उसका हम लोग यूज करेंगे। गुड इवनिंग निखिल, निखिल एंड सो ऑन। ये आपका लास्ट में क्या मिलेगा, p ऑफ 101 मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर मैं p ऑफ 0 अगर मैं फाइंड करूं तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, माइनस वन, पी ऑफ 101 अगर आप फाइंड करेंगे तो ये 101 माइनस वन मतलब 100 आएगा। तो इसके जो आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगे, माइनस वन, माइनस वन एंड सो ऑन, माइनस वन और एक बार 101, ये कितनी बार आया है, माइनस वन, ये आपका 100 टाइम्स आया है, मतलब 100 टाइम्स आपको माइनस वन मिलेगा और एक बार 101 मिलेगा। बट हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर आप बता सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ जे माइनस आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर 100 है तो ये आपका आंसर 100 आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहां पर, 101 माइनस 1 करेंगे तो 100 ही होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी मिला है, इसका करेक्ट आंसर डी है ना। तो सी कैसे कह रहे थे आप लोग, कोई 0 कह रहा था, कोई 101 कह रहा था, तो कैसे कहा आप लोगों ने इसे, ये समझा आपको, ठीक है। चले आगे देख लीजिए, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कंपेनियन मैट्रिक्स एक कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है जिनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल या आइगन वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पॉलीनोमियल ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने ले लिया, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया, से ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन, हम कहाँ तक जा रहे हैं, ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एन। तो ध्यान रखना आप लोगों को, इसका जो कोएफिशिएंट होगा हमें वन लेना है और बाकी सारे के ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन तक हम कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तुक्का मारे थे, तुक्का क्यों मार रहे हो यार, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, डिफाइन एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, ए आपका कैसा है, जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो, यहाँ पर वन जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो जीरो वन जीरो एंड सो ऑन जीरो, इसी तरह ये जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर हमने वन ले लिया और यहाँ पर हम माइनस ए नॉट माइनस ए वन माइनस ए टू एंड सो ऑन हम लेते थे माइनस ए एन माइनस वन। तो एक मैंने एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स कुछ इस तरह ले लिया। तो ये जो अगर आप लोग देखोगे, ये जो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ना, इसकी कुछ खास बात है। खास बात क्या है, खास बात ये है ना कि डायगोनल के नीचे सारे एंट्रीज वन है और इसका जो लास्ट कॉलम है ना, इस पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट हैं यहां तक बट माइनस साइन के साथ है ना। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाले लाइन में सारे वन होंगे, लास्ट वाला जो कॉलम होगा इस पॉलिनॉमियल का कोएफिशिएंट होगा जबकि यहीं तक होगा बट माइनस साइन के साथ होगा और बचे हुए सारे एंट्रीज जीरो होते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे आप मैट्रिक्स ए ले लीजिए या ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों कंपेनियन मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ए और ए का ट्रांसपोज दोनों कंपेनियन मैट्रिक्स होते हैं। गुड इवनिंग सपना। तो उस केस में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिलता है कंपेनियन मैट्रिक्स का, वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स, जो आपने पॉलिनॉमियल लिया था पी ऑफ एक्स, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। मतलब ये कैसा बनेगा, ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एन। ये हो गया कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। गुड इवनिंग आनंद राजा, ठीक है यहां तक। तो आगे बढ़े हम लोग,
देख लीजिए एक बार। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं क्वेश्चन के लिए। अब चलो एक मैं मैट्रिक्स आप लोगों को दे रहा हूं। तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू क्या है से 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, अब आपसे कह रहा हूं देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब आपको इसका आइगन वैल्यू फाइंड करना, देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या बनेगा, देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आप लोगों को क्या लगता है ए का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, बताइए ए का आइगन वैल्यू क्या पॉसिबल है यहां पर। हमें ए का आइगन वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर मैं करता हूं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है 0, कुछ का आ रहा है 1। अब देखो अगर आप देखोगे ना, एक कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो कंपेनियन मैट्रिक्स में जो लास्ट वाला कॉलम होता है, ये लास्ट कॉलम जो दिख रहा है ये क्या होता है, उस पॉलीनॉमियल के कोएफिशिएंट होते हैं बट माइनस लगा होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कोएफिशिएंट की बात करूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपका माइनस ए नॉट है, ये माइनस ए वन है, माइनस ए टू है, माइनस ए थ्री है, लास्ट वाला कॉलम है ना। तो माइनस ए नॉट आपका क्या है, माइनस ए नॉट, माइनस ए वन, माइनस ए टू, माइनस ए थ्री है। तो माइनस ए नॉट आपका 1 है, बाकी सारे 0 है ना। तो इसका मतलब ए वन आप ए नॉट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए वन आपका 0 हो जाएगा, ए टू भी आपका 0 हो जाएगा, और ए थ्री भी आपका 0 हो जाएगा। तो एक कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आगे जाऊं तो ये क्या, ए नॉट की वैल्यू 1 मिली है, ए वन आपका 0 है, ए टू आपका 0 है, ए थ्री आपका 0 है, प्लस एक्स टू दी पावर 4, ऐसा कुछ बनेगा। ए माइनस 1 है, एक्चुअली ए आपका माइनस 1 है ना, तो यहां पर माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल होगा एक्स रेस टू 4 माइनस 1, ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल बन गया। तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, ये आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे, तो यहां पर आप बता सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसके 4 आइगन वैल्यूज बने, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो एक कंपेनियन मैट्रिक्स की मदद से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया, देखिए क्या एक क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, चले आगे, एक बार आप लोग बता दीजिए अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर। एक्चुअली ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट कहता है क्या, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने आपको दो मैट्रिक्स दिया, ए और बी, ए और बी, बी और ए। तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा लेते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट हम निकाल सके, ए इंटू बी भी कर सके, बी इंटू ए भी कर सके। तो इस तरह का हमने मैट्रिक्स लिया जहां पर ए इंटू बी, बी इंटू ए पॉसिबल है। तो उस केस में ए बी और बी ए के आइगन वैल्यू के बीच में कुछ रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ए बी और बी ए के जो आइगन वैल्यूज होते हैं, नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सपोज ए बी के पास आइगन वैल्यू 2 आता है 3 टाइम्स, तो बी ए के पास भी आइगन वैल्यू 2-3 टाइम्स ही आएगा। सपोज इसके पास 1 आता है 2 टाइम्स, तो यहां पर 1-2 ही टाइम्स आएगा। तो ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में सेम होती है। अब
बट जीरो वाला जो आइगन वैल्यू होता है ना ए बी और बी ए में, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें डिफरेंट मिल सकती। हो सकता है जीरो आइगन वैल्यू ए बी के पास एक बार आए, बी ए के पास तीन बार आ जाए, या ए बी के पास दो बार आए, इसके पास एक ही बार आए। ठीक है, तो यही रिजल्ट, ये रिजल्ट कहता है ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है, बट जो जीरो वाला आइगन वैल्यू होता है, जीरो आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ए बी और बी ए में डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो था ये रिजल्ट। अब इस पर एक हम नोट ऐड कर लेते हैं यहां पर, तो एक नोट ऐड करिए, तो आपका नोट यहां पर क्या कहता है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी। अब देखो यहां पर हमने मैट्रिक्स एम क्रॉस एन और एन क्रॉस एम का लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिया था। उस केस में अगर हम ए और बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले तो क्या होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। इफ ए एन बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, सपोज ए आपका क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एन क्रॉस एन, बी आपका क्या है, बी इज इक्वल टू बी आई जे, इसका भी ऑर्डर एन क्रॉस एन दिया गया है। देन अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो उस केस में ए बी और बी ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होता है, अगर आपको ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए मतलब। तो उस केस में आप लोग कह सकते हो ए बी और बी ए के सारे आइगन वैल्यूज सेम होते हैं, सभी आइगन वैल्यूज की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो ए में होगा वो बी में भी होगा, इंक्लूडिंग जीरो नॉन जीरो सबकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहां पर सेम हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता तो उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के बीच में ए रिलेशन होता है, अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाए तो उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होता है। अब आगे इस पर बेसिक क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब यहां पर देखो आपको क्या दिया गया है, यू क्या है, यू बी आर रियल एन क्रॉस वन वैक्टर दिया गया है, जहां पर यू ट्रांसपोज इंटू यू आपको वन दिया गया है, ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करो और बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए ट्राई करिए और बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। अब ना मैं चलो आप लोगों को हिंट दे देता हूं, आप लोग तो ट्राई कर ही रहे हो बट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मुझे क्या पता है ए बी और बी ए के आइगन वैल्यूज सेम होते हैं, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज दोनों में सेम होंगे, दोनों की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होती है, बट जीरो वाले आइगन वैल्यू की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो सकता है ए बी और बी ए में डिफरेंट आ जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है चलो, तो अब देखो अब यहां पर हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, अब इसको सपोज मैं ए अज्यूम कर लेता हूं, ये आपका सपोज बी है जस्ट ऐसी, ताकि आप a इंटू बी, बी इंटू ए का रिजल्ट अप्लाई कर सको। a वाला ये अलग है, उसको मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे कि सपोज ये आपका a है तो a इंटू बी आपको क्या मिलेगा, a इंटू बी आपका जो मैट्रिक्स होगा, a अगर आपने u ले लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और b मैंने क्या ले लिया, u डैश इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो u u डैश हो जाएगा, b इंटू ए क्या हो जाएगा, u डैश इंटू यू हो जाएगा। अब देखो u डैश इंटू यू आपको क्या दिया गया, एक वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स दिया गया है ना, वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, और ये वाला जो मैट्रिक्स होगा यू का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस वन है, यू डैश का ऑर्डर वन क्रॉस एन है, तो ओवरऑल अगर आप कहोगे इसका ऑर्डर कितना मिलेगा, एन क्रॉस एन मिलेगा। ठीक है, मतलब ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होंगे, बी ए के पास एक ही आइगन वैल्यू है, वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है जो कि वन है, मतलब ए बी के पास भी एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा जो कि वन होगा, तो इसके पास टोटल n आइगन वैल्यू होने चाहिए थे। इसका मतलब बचा हुआ आइगन वैल्यू क्या होगा बताओ आप लोग, इसका मतलब जो बचा हुआ आइगन वैल्यू है क्या हो सकता है, ए बी और बी ए के पास सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ए बी और बी ए मतलब यू यू डैश और यू डैश यू के पास सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप बता सकते हो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ यू डैश इंटू यू इज यू डैश यू का आइगन वैल्यू वन मिला। ठीक है, तो यहां से हम बताएंगे फिर आइगन वैल्यूज ऑफ यू यू डैश क्या हो जाएगा, इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, जीरो, कितनी बार जीरो, टोटल एन आइगन वैल्यू है
और इसके नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, एक बार वन आएगा बचे हुए टाइम, मतलब एन माइनस वन टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आया ये आइगन वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया? बस हमने ये रिजल्ट यूज किया ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में सेम होती है, तो वहां से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे पास इसका मतलब देखो, अब आपको ना इसके आइगन वैल्यूज हमें निकालना है, तो इसका आइगन वैल्यू हमारे पास है, ये देखो ये निकाल लिया हमने, अब इसको एक पॉलीनॉमियल बना सकते हैं, तो ए का आइगन वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉलीनॉमियल बनाता हूँ, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, से मैंने क्या ले लिया पी ऑफ एक्स, मैं ऐसा ले लेता हूँ वन माइनस टू टाइम्स एक्स। तो अगर मैं पी ऑफ यू यू डैश फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी माइनस टू टाइम्स यू यू डैश मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहां से मैं ए का आइगन वैल्यू बता सकता हूं, तो आप क्या बता सकते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, ए के आइगन वैल्यूज मतलब इस ए की मैं बात कर रहा हूं, इसका आइगन वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा पी ऑफ जीरो, कितनी बार आएगा पी ऑफ जीरो, एन माइनस वन टाइम्स पी ऑफ जीरो आएगा, और एक बार पी ऑफ वन आएगा। तो पी ऑफ जीरो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए वन, और पी ऑफ वन क्या मिलेगा माइनस वन। यहां तक आई होप सारे लोगों को समझ आ गया होगा। तो मतलब ए का जो आइगन वैल्यू है, आ जाते हैं अगली स्लाइड पर, एक स्लाइड में ऐड करता हूं। तो यहां पर हम कह सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ए के आइगन वैल्यूज आप लोगों को क्या मिले हैं, माइनस वन, वन कितनी बार मिला है, वन 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 एन माइनस वन टाइम्स, और एक बार माइनस वन, ए एन माइनस वन टाइम्स हो गया। ठीक है, ये आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है ए सिंगुलर होगा और ट्रेस क्या होगा। तो देखो, अब अगर मैं ट्रेस फाइंड करूं तो ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, मैं आइगन वैल्यूज को ऐड कर दूं, सम ऑफ आइगन वैल्यू करने पर मुझे यहां पर ट्रेस मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, अगर मैं आइगन वैल्यूज को ऐड करूं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो आइगन वैल्यू कितना, वन प्लस वन प्लस ए, कितनी बार है, एन माइनस वन टाइम्स, और एक बार वन, तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस टू। और डिटरमिनेंट की बात किया जाए तो ये नॉन जीरो मिलेगा, मतलब ए आपका क्या हो जाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है, ए आपका नॉन सिंगुलर मिल रहा है। ये आपको कैसा मिलेगा, नॉन सिंगुलर मिलेगा। अब आते हैं ऑप्शंस पर, ए सिंगुलर है, नहीं होगा, ए ट्रेस होगा, ए होगा। अब मुझे पता करना है क्या ए स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल आता है या एक इक्वल आता है। अब यहां पर ये भी काम रह गया मुझे पता करने के लिए, तो चलो हम लोग देखते हैं। अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना पड़ेगा, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी माइनस टू टाइम्स यू यू डैश है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी माइनस टू टाइम्स यू यू डैश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी माइनस टू टाइम्स यू यू डैश होगा, ये हो जाएगा माइनस टू यू यू डैश माइनस माइनस प्लस फोर यू यू डैश यू यू डैश, ये हो जाएगा आइडेंटिटी माइनस फोर टाइम्स यू यू डैश। बट यहां पर देखो आप लोगों को दिया गया u डैश इंटू यू आपका क्या है, u ट्रांसपोज इंटू u आपको वन दिया गया है, तो इसका मतलब आप यहां पर बता सकते हो u ट्रांसपोज इंटू u भी आपका वन हो जाएगा ना, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, प्लस फोर टाइम्स u u डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर आपका क्या हो गया, तो इस केस में ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी इक्वल मिल रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका सी और डी करेक्ट होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है। ठीक है,